नमस्कार। लोगों ने प्रश्न पूछा है कि ये चमत्कार होते कैसे है और किस तरह से उसकी होते, क्या प्रोसेस है उसकी। अभी आप यदि न्याय दर्शन का, वेदांत का, तंत्र ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, योग दर्शन का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हम चमत्कार मानते हैं वो वास्तविकता से एक सिद्धांत पर कार्य कर रहे होते हैं और इसके ऊपर आपको डीप जाना पड़ेगा तभी आप उसको समझ पाएंगे। उसमें दो तीन बातें हैं। कर्ण पिशाचिनी विद्या है जो तामस विद्या कही जाती है, क्योंकि देवों के भी प्रकार बताए गए हैं। सात्विक देव है, राजस देव है, तामस देव है। सात्विक देवों को आप उपयोग कर सकते हैं सात्विक रीति से, राजस देवों का उपयोग राजस की रीति से कर सकते हैं। तामस देव भी है, जैसे पशु योनि होती है उसे एक देव योनि भी होती है, ऐसा वर्णन बहुत जगह पर आया है। न्याय दर्शन भी आप पढ़ेंगे उसमें भी आया है। वो तामस प्रकार के देवों का उपयोग करके उससे कुछ बातें आपको पता चल जाती है। पाटण में ही एक पाठक जी थे, उसके पास ये कर्ण पिशाचिनी थी। बहुत लोगों ने उसका प्रयत्न किया लेने का। उसके बाद वो एक जैन साध्वी जी महाराज साहब के पास आए देने के लिए, लेकिन उन्होंने ये अस्वीकार किया विद्या लेने के लिए। आप देखो सामने से वो आए, मेरे सामने की बात है, मेरे नज़र के सामने की बात है, उन्होंने ये विद्या लेने का मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जीवन के अंत समय पर वो देकर जानी पड़ती है और यदि वो देकर न गए तो मृत्यु के समय पर बहुत तकलीफें देती है। अंत समय ऐसी विद्या वालों का बहुत ही खराब जाता है और गीता की दृष्टि से यदि हमारा अंत समय खराब गया तो अंते या मति सा गति, अर्थात वही गति हमको प्राप्त होती है जो अंत में हमारी मति होती है। इसलिए कोई सात्विक व्यक्ति इस चीज पर पड़ता नहीं है ऐसी विद्या लेने में। लेकिन जो राजस और तामस माइंड वाला व्यक्ति है वो हर हमेशा इसी पर आकृष्ट होता है कि मुझे भी ऐसी कोई विद्या मिल जाए और मैं भी लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दूं। क्योंकि लोगों की भीड़ के ऊपर अनादिकाल से हमारा आकर्षण बना हुआ है, कैसे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। तो इसमें से देखो हम विद्या प्राप्त करेंगे, न्याय, व्याकरण, वेदांत जैसे दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, आयुर्वेद पढ़ेंगे, तो उसमें 12-14 साल लगने ही वाला है और उसमें मेहनत काफी है। रात दिन मेहनत करनी पड़ती है एक एक पंक्ति को लगाने के लिए, उसके बाद जाकर कुछ बोध प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, गुरु को समर्पित होकर रहना पड़ता है, गुरु कहे वो मानना पड़ता है, गुरु के अधीन जीवन जीना होता है, तब वो जाकर कुछ बातों का प्रकाश दे पाते हैं। ये तो बहुत बात कठिन हुई, इसके लिए क्या करें? शॉर्टकट निकालो, कहीं आयुर्वेद में जाओ तो कहीं 2-4 अर्क सीख कराओ और उसके बाद अपने नाम के आगे आचार्य लगा दो और दावे कर दो कि कैंसर मिट जाएगा, डायबिटीज मिट जाएगी, ब्लड प्रेशर मिट जाएगा। मेडिकल साइंस के सामने चुनौतियाँ दे दो और ये चालू कर दो आप, चुनौतियाँ देना और खराब जीतना, आपकी रातों रात प्रसिद्धि हो जाएंगी। क्योंकि ऐसे मूढ़ लोग हैं जो अविवेकी है, वो आपके पीछे लग जाएंगे, बजाय कि कैंसर क्या होता है वो भी पता न हो, कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में उसको क्या कहा जाता है, सुश्रुत में उसके बारे में क्या कहा है, वो कुछ भी पता न हो चलेगा। आपको 3 अर्क आ जाने चाहिए कैंसर के बारे में, बस वो हो गया आपका काम। और वो कर भी दिया, किसी ने आचार्य नाम रखकर कर भी दिया, लोगों को ठग भी लिया और अब पूरा भी हो गया उसका प्रकरण। ऐसी बातें आती रहेगी, आपको थोड़े दिन चमत्कार जैसा प्रतीत होगा, अंत में आपको लगेगा इसमें कोई चमत्कार नहीं है, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था ही सही दिशा दर्शन दे सकती है, वो सनातन सत्य है। आज आपको समझ में आए, कल आए, परसों आए, 10 साल बाद आए, 15 साल बाद आए, तब तक हम राह देखते हैं। कर्ण पिशाचिनी विद्या एक ऐसी विद्या होती है जो कर्ण में आकर कोई देव विशेष किसी भी बात को कह जाता है। गुरु परिय ने, पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने तंत्र ग्रंथों के व्याख्यान में यह बात बहुत सटीक रीत से बताई है और यह अनुभव सिद्ध भी है। अब इसका फायदा क्या है? किसी की समस्या यदि आप लिखकर या पढ़कर बता देते हो तो उनको ऐसी भ्रांति हो जाती है कि आप इसकी समस्या का सोल्व कर पाओगे, क्योंकि वो पहले ही चमत्कृत मानस हो जाता है। तो साइकोलॉजी की दृष्टि से पहला प्रभाव ही बहुत महत्व का हो जाता है, वो ऐसा मानने लगता है और उसकी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ आप खिलवाड़ करने लगते हो फिर, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन तो है नहीं। कोई ऐसा बता दे कि कैंसर है आपको, उससे वो कैंसर की दवाई नहीं जानता है, कैंसर की ट्रीटमेंट करनी, पथ्य बताना बात अलग हो जाती है, और कैंसर हो है ऐसा कह देना बिल्कुल आसान बात हो जाती है, लेकिन वो विवेक सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर वो उतना ही चाहिए होता है उनको कि लोग उनके पीछे पड़े, तो फिर नए नए स्टंट निकलते रहते हैं,
किसी की समस्या बता देना, भीड़ खड़ी हो जाती है तो काम ऐसे ही बन जाता है, क्योंकि यदि भीड़ खड़ी हो गई तो नेता उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वोट बैंक उसके पास आ जाता है, तो बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, नेता को देखकर उसकी पहचान करने के लिए धनिक इकट्ठे हो जाते हैं उसके आगे पीछे, क्योंकि धनिकों को ज़रूरत नेताओं की होती है, नेताओं को ज़रूरत भीड़ की होती है, इसके लिए सब प्रकार के 360 एंगल पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं चमत्कार देखने के लिए। कोई इसके बारे में यदि बोलता भी है तो उसको चुप कर दिया जाता है या तो उसको दबा दिया जाता है। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है वो यूट्यूब पर आ जाते हैं समर्थन करने के लिए और उसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं। हमारा प्रश्न बस यहाँ पर है, वो व्यक्तिगत कुछ भी करे लेकिन उसको धर्म रक्षा का नाम न दे। इसमें न तो किसी प्रकार का धर्म है और धर्म रक्षा हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। धर्म ये सूक्ष्म बात है, महाभारत आप पढ़ो और जानो कि धर्म रक्षा कौन कर सकता है। कोई चिट्ठी लेकर आपकी बात बता दे और आपको थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाले वाली बातें बता दे और आप मानने लगोगे कि वो धर्म रक्षा कर रहा है, तो आपको महाभारत पढ़ने की अति आवश्यकता है। तो ये कर्ण पिशाचिनी विद्या है, इंद्रजालिक नाम की एक विद्या आती है वो भी ऐसी होती है। ऐसे बहुत प्रकारों की तंत्र ग्रंथों में विद्या का वर्णन दिया गया है, इससे ये संभव हो पाता है। इसमें आज्ञा चक्र की बोध की कोई बात है ही नहीं। आज्ञा चक्र खोलने के बाद, योग सिद्ध होने के बाद जो स्थिति होती है वो तो प्रथम ये होती है कि चमत्कार से मुक्त हो जाते हैं। तो ये अध्यात्म का विवेक है और वो विवेक अध्यात्म के ग्रंथों में बताया है। इसके लिए सही अध्यात्म घटित होने के बाद व्यक्ति प्रथम तो चमत्कार से मुक्त होने का और चमत्कार से आकृष्ट होना बंद हो जाता है, यही अध्यात्म की शुरुआत है। ऐसी शुरुआत आपको इसी जन्म में अध्यात्म की हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपको अध्यात्म की सही दिशा मिले और आप कम से कम चमत्कारों से आकृष्ट होना बंद कर दे तो आपके जीवन में अध्यात्म का प्रकाश अवश्य ही फैलेगा। नमस्कार। जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य।